हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हमारे रियांश के लिए बहुत सारे सैड न्यूज़ आए हैं। हमारे रियांश फैंस जो है सैड न्यूज़ से भर गए। भाई कितना सैड न्यूज़ आएगा, बहुत सारे सैड न्यूज़ आए हैं जो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सो या इस वीडियो के एंड तक बनी रहेगा। सो गाइस, हमारे रियांश को वोट्स तो जा रहे बट उतना भी नहीं कि वो रियांश जीत सके। एंड राहुल से एंड हेलिशा को कहाँ जो चले गए उनके फैंस, पता नहीं। हेलिशा को वोट्स नहीं जा रहे, राहुल सुधीर को थोड़ा बहुत जा रहा है बट इतना भी नहीं कि वो जो है हमारे रियांश के जैसे भी वोट्स नहीं जा रहे, बहुत कम जा रहे। इश्क में मैं जो सीजन टू को बहुत कम वोट जा रहे। एंड बता दूँ, रियांश के दुश्मन जोड़ी को इतना ज़्यादा वोट जा रहा है। एंड बता दूँ, फतेह जो जोड़ी की फैंस को पता नहीं था कि आइकॉनिक गोल अवार्ड्स चलता है, सब कुछ होता है। तो हमारे जो फतेह जो के फैंस हैं उन लोगों ने वन वीक में 5-6 दिनों में उन्होंने हमारे जो फतेह जो जोड़ी है, रियांश जो है वो सेकंड पे था अगले वीक, मतलब कि ये आइकॉनिक ऑलवर्स के वोट्स के रैंकिंग हिसाब से है। तो बता दूँ, रियांश सेकंड में था। रियांश अभी 5th पे चल रहा है। फतेह जो जोड़ी के जो फैंस है वो उन लोगों ने 5 दिनों में इतना वोट किया है कि फतेह जो जोड़ी सेकेंड पर आ गई और रियांश चला गया 5th पे। जो मतलब टॉप 5 से बाहर नहीं हुआ है बट तभी 5 नंबर पे है, 5th पे चला गया है। सो इट्स अ वेरी वेरी बैड न्यूज़ फॉर ऑल रियांश फैंस। इट्स आप लोगों को ना ये सब नहीं करना चाहिए, आप लोगों को मास वोटिंग पे पार्टिसिपेट करना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे ग्रुप्स हैं इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर सब लोग जो है बात करते हैं रियांश फैंस से, निया राहुल को लेकर डिस्कस करते हैं, रियांश की म्यूजिक एल्बम को लेकर डिस्कस करते हैं। तो ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप लोग जितना पूछोगे उतना ही मतलब टाइम वेस्ट होगा। आप लोग वोट करो। एंड मास वोटिंग के टाइमिंग्स बना दिए गए हैं। 2 बजे हमारे रियांश को वोट करना है, 2 PM रियांश, उसके बाद 4 PM हमारे हेलिशा, 6 PM राहुल सुधीर, 8 PM इश्क में मैं जाऊँगा सीजन 2। ये सारे को आप लोग जो है फॉलो करो। एंड आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, हमारे जो फतेह जो के फैंस हैं, फतेह जी जोड़ी बहुत फेमस हो चुकी है। एंड जो उडारिया शो है वो बहुत ही फेमस हो चुका है, इसलिए आप लोगों को मैं बोल रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ की वोटिंग। एंड आप लोग जल्दी से हमारे रियांश को फर्स्ट पे लाओ या फिर सेकंड पे लाओ। भाई अगर वो 5th पे है तो इसके बाद वो टॉप 5 से आउट हो जाएगा। भाई ये तो पक्की है। एंड अभी बहुत सारे जोड़ी में टक्कर चल रहा है, जैसे कि फतेह जो शाखी फर्स्ट में है, सेकंड में है फतेह जो, थर्ड में है प्रीरन और फोर्थ में है वानी, उसके बाद है रियांश से भी ज़्यादा वोट्स वानी को चले जा रहे हैं। वानी जोड़ी की म्यूजिक एल्बम आई हुई है। एंड और एक सैड न्यूज़ निकल के आई है रियांश फैंस के लिए, करणवीर शर्मा और देवतमा शाह का एक म्यूजिक एल्बम आ रहा है। और हमारे जो वानी जोड़ी है, शूरबी चन्ना और सौरभ मल्होत्रा, उनका तो दो म्यूजिक एल्बम्स आ चुके हैं। एंड दो म्यूजिक एल्बम लाने में पूरा का पूरा मतलब जो प्रोड्यूसर है, मेकर है, जो भी कहते हैं, तो हमारे जो पायल देव जी हैं, उन्होंने ही उनके म्यूजिक एल्बम को लॉन्च किया है, ना कि और किसी ने। स्टेविन बैन को हम लोग कितना रिक्वेस्ट कर चुके हैं लेकिन उनकी तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। एंड अभी आप लोग म्यूजिक एल्बम को लेकर मत पढ़ो, म्यूजिक एल्बम अगर एक आएगी ना तो दूसरी जो है अपने आप ही पक्की हो जाएगी। हमें कोई रिक्वेस्ट नहीं करनी है। अभी आप लोग फ्री नहीं हो भाई, अभी आप लोग एक काम करोगे गाइस, अगले मंथ से आप लोग जो है ना स्टार्ट करो, अक्टूबर से आप लोग स्टार्ट करो म्यूजिक एल्बम की डिमांड करना। म्यूजिक एल्बम की डिमांड करो भाई, बट इतना मत करो कि वोट्स को आप लोग भूल जाओ। इतना बात मत करो ग्रुप्स पे, अगर आप लोग हो तो ग्रुप्स पे इतना मैसेजेस मत करो, और आप लोग ज़्यादातर वोटिंग्स पे ध्यान दो। मास वोटिंग पर पार्टिसिपेट करो बट ऐसे जो खाली टाइम होता है, जैसे कि 6 बजे राहुल सुधीर को वोट करना है, राहुल सुधीर को वोट कर लिया 6 बजे से 6:30 बजे तक, उसके बाद थोड़ा सा आप लोग जो है आप लोग फिर से वोट कीजिए थोड़ी देर बाद, एक बार टाना वोट कीजिए, मतलब कि ऐसे कॉपी कर लीजिए एक बार लिख के देख के, फिर आप लोग पेस्ट कर दीजिए उसको, बार बार पेस्ट कर, जब आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आएगा तो आप लोग वैसे ही रख दीजिए। फिर थोड़ा 5-6 मिनट बाद थोड़ा सा और कहीं हेली को वोट कर लिया, फिर मतलब मास वोटिंग पर सिर्फ राहुल को ही वोट करना है राहुल के टाइम पर, तो ऐसा नहीं है। अगर आप लोग ऐसे ही करते रहोगे तो आप लोगों का कमेंट का जो सेक्शन है ना, कमेंट में आप लोग जो करते हो कमेंट, वो आपका ऑफ हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम होगी। अगर आप लोगों कोई फ़ैन पेजेस है, बहुत फॉलोअर्स है, तो आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, हेलिशा को जो है बिल्कुल वोट नहीं जा रहे हैं। एंड देवतमा शाह
कि जो मतलब देवता मां शाह को बहुत वोट जा रहे हैं एंड जो शाखी जोड़ी जो है उसको तो सबसे ज़्यादा जा रहा है। इश्क में मजाओ जो है अभी कितने पोजिशन पर है ये तो मुझे पता नहीं, बट इश्क में मजाओ जो है शो ज़्यादातर जो है लोग शोज़ को वोट नहीं करते हैं, एक्टर एक्ट्रेस एंड जोड़ी को वोट करते, तो जो भी हो बट हमें वोट तो करना चाहिए भाई। तो यही था बस अपडेट, सारे सैड न्यूज़ मैंने आप लोग इस वीडियो में दे दिए, इस सारे सैड न्यूज़ जो है मैंने आप लोग लाइव पे दिए थे एंड आप लोग लाइव नहीं देखा था एंड मुझे कमेंट्स आ रहे कि थे कि क्या क्या गुड न्यूज़ सॉरी क्या क्या सैड न्यूज़ है प्लीज़ बताइए। तो मैंने इस वीडियो में आपके सारे जो डाउट्स हैं आपको के क्या सैड न्यूज़ है क्या न्यूज़ निकल के आई है सारे अपडेट्स मैंने आप लोग इस वीडियो में देख लिए दे दिए हैं एंड आप लोग बता दो हमारी रियांश जोड़ी का वोट्स कम रहा, आप लोग प्लीज़ 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 कीप वोटिंग गाइस, प्लीज़ आप लोग जो है वोट करो। कल एक ट्रेंड प्लान किया गया था, वो ट्रेंड जो है सक्सेसफुल नहीं सॉरी पता नहीं बट शायद ट्रेंड जो है वो पोस्टपोनेड कर दिया गया है, कोई भी अपडेट नहीं आया है निकल के सामने जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ इस वीडियो में। सो जो भी अपडेट मैंने आप लोगों को दिया है सारे के सारे कन्फर्म एंड सारे अपडेट्स मैं खुद ही ढूंढी हूँ, ना कि किसी से कॉपी किया हुआ है। सो यही था बस अपडेट, अगले वीडियो पे मिलेंगे जल्द, कोई न्यू वीडियो पे हम लोग सब लोग मिलते हैं अगले वीडियो पे मिलेंगे।